हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भवनीत कौशल। तुसी देख रहे हो एबीपी साझा ते टिंगलिंगलिंग एंटरटेनमेंट दी दुनिया वेस्ट ऑन लेके जाने लई बिल्कुल तैयार आते। आज तो वो दिन है जब फिल्मां रिलीज हुंदिया ने। पहला एक टाइम हुंदा सी, है ना, हुण तां इस तरह हो गया कि जब असीं सिनेमा घरां दी गल करदे आ ना तां इह लगदा पता किन्नी मुद्दा बीत चुकियां ने। तां मैं उसे अंदाज दे विच तुहानूं दसदा कि एक टाइम हुंदा सी जब असीं फिल्मां वेखण लई सिनेमा घरां जांदे सी, उस तों बाद आके असीं ऑडियंस दा रिएक्शन लैंदे सी ते जानदे सी कि आखिरकार उहनां नूं फिल्म कैसी लगी है। लेकिन कोरोना वायरस ने सब कुछ बदल के रख ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰਨੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਹੈ ਮੇਨ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ। विद्या विंसेंट एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसका किरदार विद्या बालन ने निभाया है। उसकी पोस्टिंग हो गई है एक ऐसे पिंड जिथे कई चैलेंजेस ने, वो पिंड वसदा है कई जंगलों के आस पास, इस करके उथे जो टाइगर्स ने उसका कहर भी रहा है। तो उस पिंड एक टाइगरस निकली हुई है शिकार करने के, उसू बचाने के लिए तो उस तो पिंड वाले बचाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या बहुत मेहनत करनी पैंती है। आखिरकार वो टाइगरस क्यों पई हुई है लोगों के पिछे, यह भी सवाल है। तो उसके सब प्लॉट्स भी बहुत सारे ने जिस तो जूझती हुई इस किरदार निभा रही है विद्या बालन। हुण वो शेरनी नू यानी कि टाइगरस नू बचा पाती है या फिर नहीं, या फिर ये शेरनी कुछ नवा करेगी, ये जानने लई तुहानू फिल्म वेखनी पएगी शेरनी ओनली ऑन एमाजॉन प्राइम। अदाकारी की जी मैं गल करां तां विद्या बालन नू कोई भी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं है। जब चंगियां परफॉर्मेंसिस की गल करते हैं असी बॉलीवुड दे विच तां विद्या बालन का नाँ तो अपने आप ही सामने आ जाता है। पिछले साल की गल है क्योंकि विद्या बालन ओटीटी ते आई सी तां उस वेले उन्हूं बहुत प्यार मिलिया सी। उस वेले विद्या बालन ने किरदार निभाया सी शकुंतला देवी का, ते इस बार वो शेरनी बन के आई है। शेरनी दे लई उन्हां दा जो किरदार निकल के सामने आया सी ट्रेलर दे विच, वो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा सी क्योंकि इस टाइप का किरदार विद्या नूं पहलां निभाउंदे होए किसी ने नहीं वेख्या। तो इस दी जिहड़ी सटलटी है यानी कि इस दे विच जिन्ने भी होर जिहड़े पहलू ने इस किरदार दे, उस तों चंगी तरह समझ के स्क्रीन दे उत्ते विद्या बालन पेश जरूर करदी है। तो बाकी भी जो एक्टर्स ने इस फिल्म दे विच शामिल होए, चाहे विजय राज हो, नीरज काबी हों, हर कोई अपने किरदार दे नाल जस्टिस कर रहे हैं। तो खास तौर पर एक रियलिस्टिक जिहड़ी अप्रोच है ना, वो इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स नूं दित्ती गई है। खास तौर पर जब तुसीं विद्या बालन की शेरनी नूं वेखोगे ना, तुहानूं इह लगेगा कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है। तो सारे जिहड़े लोग ने ना, वो उन्हां दी अपनी रियल लाइफ स्टोरी ही बयान कर रहे हैं। इत्थे कोई भी एक्टर नहीं लगता। फिल्म शेरनी नूं उसे डायरैक्टर ने डायरैक्ट किया है जिसने फिल्म न्यूटन बनाई सी। राजकुमार राव की वह फिल्म तो तुहानूं याद ही होएगी, जिस तरह के नाल उसने कमाल किया सी, जिस तरह का उसका प्रमाइस बहुत नैचुरल सी, वो सब कुछ शेरनी के नाल भी है। मैं लगता है कि अमित मसूरकर जो कि इस फिल्म के डायरैक्टर ने वो जंगल के प्रमेस नूं इन्ना चंगी तरह समझते हैं कि जब भी वो स्क्रीन पर वो सब कुछ लेके आते हैं वो बहुत रियल लगता है। तो जिस तरह नाल वो जंगल नूं पेश करते हैं तो एवें लगता है कि तुसीं एक्चुअली उत्थे मौजूद हो। तो फिल्म शेरनी के विच भी लगातार जब भी जंगल के सीन आ रहे हैं या फिर कुछ भी वैसा आ रहा है वो बहुत रियल लगता है। लेकिन रियल के चक्कर के विच ना बहुत ज़्यादा रियलिटी स्क्रीन पर आ गई, लेकिन एक सिनेमा वाला एंगल इत्थे खत्म हो गया। फिल्म के विच चंगीआं परफॉर्मेंसिस ने, चंगी सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर कमाल था, लेकिन फिल्म का प्लॉट बहुत वीक है। जिस तरह नाल फिल्म शुरू हुंदी है, एक किरदार जिहड़े घड़े जांदे ने, लगता है कि किते होर पहुंचणगे ते ऐसा एंटरटेनमेंट देंगे या फिर कुछ ऐसी छाप छड्डणगे एंड तक आंदे आंदे जो कि तुसीं अपने घरे नाल लैके जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुंदा। इस फिल्म नूं वेखते हुए जिहड़ी एक्साइटमेंट हौली 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 वधदी जांदी है, वह किते भी जाके खत्म नहीं हुंदी। बहुत सारे प्लॉट्स दिमाग दे विच आंदे ने, बहुत सारे ट्विस्ट दिमाग दे विच आंदे ने, लेकिन कोई भी ट्विस्ट इस फिल्म दे विच नहीं है। बहुत सिंपलिस्टिक तरीके दे नाल शेरनी नूं बनाया गया है। एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर उत्ते तां फिल्म बहुत चीज़ा कह जाती है, लेकिन असी एक फिल्म नूं एक अपना जिहड़ा कीमती समा दें वह दें एंटरटेनमेंट वास्ते, तो उस कित ना कि शेरनी थोड़ी जी वीक जरूर पै गई है। लेकिन विद्या बालन की कमाल की परफॉर्मेंस वेखण लई, अगर तुसी बहुत रियलिस्टिक टाइप दिया स्लो फिल्मां जिस कोई ट्विस्ट नहीं हुंदा वह वेखना पसंद करते हो तो अमित मासूरकर की इस फिल्म वेख सकते हो, क्योंकि विद्या बालन का काम तो चंगा है ही है। लेकिन शेरां की गलबात इस टाइटल च ही है, होर बहुत ज़्यादा एक्सपैक्टेशन ना रखियो फिल्म शेरनी तो।